नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अभी हाल ही में एक नई वैकेंसी जारी हुई है, सफाई कर्मचारी की। सफाई कर्मचारी की वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4/3/2024 से लगा करके 24/3/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें कुल टोटल पद अपने रखे गए हैं 24,797 पद। इसमें कुल जो पद हैं 24,497 पद रखे गए हैं और इसमें फॉर्म की जो दिनांक जो है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं 4/3/2024 से लगा करके 24/3/2024 तक। और इसके बाद में अगर आप फॉर्म में कुछ करेक्शन वगैरह करवाना चाहते हो तो इसकी जो डेट है वो है 27/3 से लगा करके 2/4/2024 तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं और उसकी जो फीस है वो आपके 100 रुपये चार्ज हो गए। सबसे पहले जो सवाल रहता है कि कहाँ से आपको आवेदन करना है, तो आवेदन आपका एसोसो आईडी से होगा। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे उनको पता होगा कि एसोसो आईडी से फॉर्म भरा जाएगा। और अगर सफाई कर्मचारी की भर्ती जिन्होंने पहले 2023 में फॉर्म भरा था उनको वापस दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें करेक्शन करवाना चाहते हो उस आवेदन फॉर्म में तो आप करवा सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो दोबारा आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। जब भी आप फॉर्म भरवाने जाओ तो अपने आधार कार्ड, अपने जन आधार कार्ड वगैरह साथ में लेके जाए। अगर जन आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो पहले जन आधार कार्ड सुधार करा ले, उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होगा। इसमें OTR होता है, OTR चेंज नहीं होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अगर OTR करने से पहले अपना जन आधार कार्ड के अंदर कुछ चेंज है तो चेंज करवा ले, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। और फॉर्म की जो फीस जो है वो सामान्य कैटेगरी के लिए 600-600 रुपये, बाकी अदर के लिए 400 रखी गई है। सबसे बड़ा ये सवाल रहता है कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। ये फॉर्म वो भर सकता है जो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास में सफाई कर्मचारी के रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। अब एक्सपीरियंस कहाँ से लाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक्सपीरियंस आपको कहीं से भी, सरकारी संस्थान है या फिर गैर सरकारी संस्थान है या फिर अपने स्कूल है, कॉलेज है या हॉस्पिटल है या फिर किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो या फिर कहीं मॉल में काम कर रहे हो या फिर किसी दुकान पे आपने काम कर लिया सफाई के रूप में वगैरह, तो उनसे भी आप 1 साल का एक्सपीरियंस बनवा के लेके आ सकते हो और वो भी चल जाएगा आपका। और उसके साथ में चरित्र प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनसे साइन होते हैं उस पर, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं, तो वो भी इसके साथ में लगेंगे आपके साथ में। सबसे बड़ा सवाल और एक निकल के आता है कि भाई अपनी आयु सीमा क्या रखेगी इसके अंदर, कि भाई मैं फॉर्म भर सकता हूँ, कि मेरी उम्र है कि नहीं मैं फॉर्म भर सकता हूँ, या फिर मेरे ओवर एज हो चुका हो कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो इसमें जो आयु सीमा जो रखी गई है वो रखी गई 18 साल से 40 साल तक। ध्यान से सुनना, 18 साल से 40 साल तक इसकी उम्र रखी गई है और 18 साल कम्प्लीट होनी चाहिए आपको 1 जनवरी 2025 तक। 1 जनवरी 2025 तक आपकी 18 साल उम्र कंप्लीट होनी चाहिए और लास्ट आपको 40 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर सूट कितने साल की मिलेगी वो मैं बता रहा हूँ। जैसे SC ST OBC या EWS के जो भी पुरुष हैं उनको मिलती है 5 साल की सूट, और सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको भी मिलती है 5 वर्ष की छूट, और बाकी जो महिलाएँ हैं जैसे SC ST OBC EWS जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 10 वर्ष की छूट इसके अंदर मिलती है। अभी अपन बात करते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट उसके अंदर क्या क्या लगेंगे। एक तो बनाना अपने अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, जो 1 साल का लगेगा। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और फोटो हो गया, अपने एक जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब जाति प्रमाण पत्र किसके लगेंगे वो मैं बता देता हूँ, SC ST OBC EWS के अंदर, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जब फॉर्म भर रहे हैं तो उससे पहले के ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद का ये सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा आपका। ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसके पहले का ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का, उसके बाद का चलेगा नहीं। फिर जब डेट चली जाती है उसके बाद बनाते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो इसके अंदर काम नहीं करेगा। और रही बात फ़ोटो की, तो वो फ़ोटो जो है आपको 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल ये रहता है कि सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है उसके अंदर चयन कैसे होगा। जाहिर सी बात है, सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो ही दिमाग में रहता ही है कि भाई उसका चयन कैसे होगा, क्या कोई एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको
जैसे आप फॉर्म वॉर्म सबमिट कर देंगे तो इसके अंदर आपको 3 गुना अभ्यर्थी को इसके अंदर लिया जाएगा, 3 गुना अभ्यर्थी को इसके अंदर लिया जाएगा, ठीक है। अब 3 गुना अभ्यर्थी के अंदर जिसका नाम आ जाता है उसका करवाया जाएगा एग्ज़ाम, प्रायोगिक एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। अब वो एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा, ठीक है, तो उसका जो टाइमिंग रहता है 3 महीने का टाइम रहेगा, 3 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और उस एग्ज़ाम में क्या होगा, तो उस एग्ज़ाम में सफाई से संबंधित कार्य कराए जाएगा, ठीक है। सफाई से संबंधित कार्य आपसे करवाए जाएंगे, जैसे कि नाले की साफ़ सफाई हो या फिर रोड की साफ़ सफाई हो वगैरह, तो वो सफाई से संबंधित आपसे कार्य करवाए जाएंगे, तो वो होता है प्रायोगिक एग्ज़ाम। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि इसके अंदर पहली जो प्राथमिकता है वो वाल्मीकि समाज को इसके अंदर दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, उसकी लास्ट डेट क्या है और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या इसकी आयु सीमा रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा वगैरह, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।